आइए सुनते हैं कि स्टोरी मूंगफली। अमेरिका के डॉक्टर श्री एच बुश कमरे में पड़े हुए थे। उनके घुटने से खून बह रहा था। लाख कोशिश करने पर भी खून बंद नहीं हुआ था। उन्हें यह भय था कि यदि खून इसी तरह बहता रहा तो थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। रात धीरे धीरे उतर रही थी, उसके साथ ही डॉक्टर ब्रूस के मन में भी अधिकार का अंधकार बढ़ रहा था। वे शून्य की ओर देख रहे थे। सामने मेज पर कुछ भुनी हुई मूंगफली पड़ी हुई थी। उन्होंने उनमें से मुट्ठी भर फलियां उठाई और उन्हें छीलकर चबाना शुरू कर दिया। मूंगफली खाते खाते वे अपनी कुर्सी पर ही सो गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घुटने में से खून बहना बंद हो गया था। एक ही रात में इतना बड़ा चमत्कार! उन्होंने मूंगफलियों के सिवाय तो कुछ खाया ही नहीं था, तो क्या मूंगफली का ही यही प्रभाव था? डॉक्टर ब्रूस आश्चर्यचकित थे। डॉक्टर ब्रूस वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत जल्दी जान लिया कि निरंतर बहते हुए खून को रोकने में मूंगफली ने ही उनकी मदद की है। अब तो उन्होंने उस पर विभिन्न प्रयोग आरंभ कर दिए। एक रोगी के गुर्दे में 10 दिनों से दर्द था। पेशाब के साथ बराबर खून आता था। डॉक्टर उसके शरीर में बराबर रक्त बनाते और चढ़ाते थे, किंतु खून का आना बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोस ने खून चढ़वाना बंद करवाया और रोगी को हर 6 घंटे के बाद 5 ग्राम मूंगफली का आटा खिलाया। अगले दिन पेशाब में खून नहीं आया। 3 दिन बाद जब वह रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो सब आश्चर्यचकित थे। शारीरिक शक्ति बढ़ाने में मूंगफली बेजोड़ है। मूंगफली में भोजन के अनेक तत्व जैसे कैल्शियम, लोहा, विटामिन्स, राइबोफ्लाविन, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। मूंगफली प्रोटीन प्रधान खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन से ही शरीर बनता है। इसमें मांस की अपेक्षा अधिक प्रोटीन होती है और यह मांस से भी अच्छा तथा सस्ता खाद्य पदार्थ है। मूंगफली का तेल घी के स्थान पर काम में लाया जाता है। दुबले पतले को मोटा बनाने में मूंगफली का तेल बड़ा उपयोगी है। भारत में मूंगफली की उपज बहुत अधिक होती है, किंतु इनका उचित उपयोग नहीं किया जाता। अधिकांशतः मूंगफली का तेल निकालकर इसकी खली पशुओं को खिला दी जाती है। इस प्रकार सारी प्रोटीन खली में चली जाती है। यदि मूंगफली का सही उपयोग किया जाए तो हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की कमी जो भारी मात्रा में है उसको सहज ही पूर्ति की जा सकती है। निर्धन लोगों के लिए तो यह विशेष लाभ की वस्तु है। गरीब लोग प्रोटीन युक्त भोजन के लिए पूर्ति के लिए मांस, मछली, दूध, दही और मेवे आदि का व्यवहार नहीं कर सकते, अतः उन्हें मूंगफली के भोजन को अपने भोजन में स्थान देना चाहिए, तो वे बहुत ही सस्ते में प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। मूंगफली का मक्खन भी बनाया जाता है। इसे लोग रोटी या बिस्कुट पर लगाकर बड़े मज़े से खाते हैं। यह मक्खन घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें मूंगफली का तेल डालकर घुमाने से मक्खन बन जाता है। इसे सलाद के साथ भी खाया जा सकता है। मूंगफली पीसकर अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। सब्जियों में इसका पीसा हुआ चूरा डालने से सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। नाश्ते या भोजन के रूप में मूंगफली का प्रयोग बड़ी सफलता से किया जाता है। ऐसे में मुट्ठी दो मुट्ठी मूंगफली, थोड़ा सा गुड़, पाव डेढ़ पाव टमाटर या गाजर या किसी भी मौसमी फल की आवश्यकता होती है। इससे सस्ता भोजन के द्वारा खूब स्वस्थ रहा जा सकता है। कुछ लोगों का विचार है कि मूंगफली गर्म होती है, अतः इसे गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। यह एक भ्रामक है और यह भ्रम ज़्यादा दिन तक आम नहीं रह सकता। भोजन का काम ही है शरीर को गर्मी देना। यदि मूंगफली गर्मी देती है तो वह भोजन का ही एक काम करती है, अतः गर्मी में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे हर मौसम में बिना किसी भय के खा सकते हैं और अपना जीवन स्वस्थ बना सकते हैं।